हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों सबसे पहले अपॉलॉजीज, क्योंकि वहां पे भी लाइव नहीं हूं। अदरवाइज मैं हमेशा प्रेफर करता हूं लाइव लेना इन सेशंस को। और दूसरी चीज, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों अभी किसी मेडिकल कारण की वजह से वहां पे नहीं हूं, इसलिए मैं आपको प्रॉमिस निभाता हूं अपना और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूं। लेकिन क्योंकि आप सभी लोग इस क्लास को देख रहे होंगे, इसलिए इसमें कंटेंट में यूजुअल क्लासेस ज्यादा रखा हूं। तैयार हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक मैं बहुत स्पेसिफिक सेशन लेता हूं, उसका नाम है वर्ड पावर, द मैजिक ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। द मोमेंट वी स्टार्ट स्पीकिंग द होल वर्ल्ड कम्स टू नो हु वी ट्रूली आर। मैं आपको ना एक वाकई रियल वर्ल्ड में एक बात आऊँ दोस्तों, जरूरत पड़ेगी आपको उस स्किल का नाम है टू हैव अ वेरी गुड वोकैबुलरी। दोस्तों चाहे रिटन की बात हो, चाहे GDPI की, और इन जनरल पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, अगर वोकैबुलरी अच्छी तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। चलिए स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया, चाहे कोई भी चीज़ में अगर आप पढ़ रहे होंगे, चाहे क्वांट हो, DI हो, LR हो, करंट अफेयर्स हो, क्या वो मेरे एक ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों कि चीज़ों को कितना सिंपल कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ईच वन ऑफ अस वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा आज का सेशन और ये मेरे बारे में ओवरव्यू है। मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, इस तरह के बहुत सारे मेरे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं दोस्तों। दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे भी जाके इस कोड को यूज कीजिएगा ST26, बहुत सारे वीडियोस हैं जो सभी के लिए एक्सेसिबल है। चलिए दोस्तों सबसे पहला वर्ड आज का, पांच वर्ड से मैंने ब्रेक किया, अलग अलग एक्सरसाइज शुरू होंगे। पहले एक्सरसाइज पहला वर्ड दोस्तों, आप लोगों ने एक मूवी देखी बच्चन साहब की, बच्चन साहब जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। बच्चन साहब की एक मूवी है और उस पिक्चर का नाम है, चलो नाम नहीं बताता, मैं हर वो काम करता हूँ जो सही होता है, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो चाहे लोगों के खिलाफ, ऐसा कुछ लाइन है उनकी। अब बच्चन साहब तो बच्चन साहब में वही बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इस पिक्चर का नाम गेस कीजिए। एब्सोल्युटली इस पिक्चर का नाम है सरकार। दोस्तों सरकार के लिए मैंने एक वर्ड रखा है सरकार, एक वर्ड तो इंग्लिश में पैट्रियार्क। दोस्तों जहां पर भी पैट रूट वर्ड आता है ना, पैट जहां पे आएगा पिता को लेके आएगा, फादर को लेके आएगा। दोस्तों पैट्रियार्क मतलब जहां पे आप मेल हेड के बारे में बात करते हैं, मेल हेड ऑफ अ फैमिली, पैट्रियार्की। कई लोग बोलते हैं ना मैं पैट्रियार्की को नहीं मानता, तो आर्क जहां पे आएगा वहां पे, देखिए पेट जहां पे आएगा पिताजी को ले जाएगा, आर्क ओलीगार्क पेट्रियार्क। तो दोस्तों ये वाली चीज, तो मेल हेड ऑफ अ फैमिली, तो इस चीज के लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में पेट्रियार्की। पेट्रियार्क मतलब मेल हेड। एक बहुत बढ़िया मूवी है सरकार, आपने देखा भी होगा, इससे हम लोग रिलेट करते हैं। सेकंड वर्ड दोस्तों, एक ना बहुत ही मस्त शो लगता है मुझे, क्या यार पूरी दुनिया को बहुत मस्त लगता है, फ्रेंडशिप का वन ऑफ द बेस्ट शो। कौन सा शो सर? आई बी देयर फॉर यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। शो का नाम है फ्रेंड्स। दोस्तों आपके भी ऐसे दोस्त होंगे गजब की बॉन्ड बनते होंगे उनके साथ, चार पांच आपके दोस्त होंगे इकट्ठे हुए, मस्त पार्टी शार्टी धूम धड़ाम। एयरफोर्स के एग्जाम में इस वर्ड की स्पेलिंग पूछा गया था, कमराड्री। आप में से वो बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे या मेरे सेशन को पहली बार देख रहे होंगे, ध्यान रखिएगा मैं वर्ड्स को बहुत बार रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिस परफॉर्म रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। दोस्तों इतने बार रिपीट कीजिएगा कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब कि आपको वो क्या बात है कि नहीं, रिपीट कर दी चीजों को, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्त। कामराड्री स्पेलिंग देखिएगा, CAMARADERII, कामराड्री के ऊपर लगाए डबल स्टार। दोस्तों तीसरे वर्ड में आता हूं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने नहीं सॉरी ये क्या नाम पिक्चर का, बदलापुर, सॉरी बदलापुर आपने देखा है, बदलापुर क्या धवन साहब, ये वरुण धवन साहब की पिक्चर है बदलापुर। बदलापुर वेंजियंसपुर, वेंज अवेंज रिवेंज अवेंजर्स, अच्छा हाँ सर अवेंजर्स मैं भी देखा हूं मार्वल की, बिल्कुल सही बात है दोस्त। तो यहां पे आ गया बैक विद द वेंजियंस, वेंज रिवेंज अवेंज अवेंजर्स। दोस्तों तो वेंज जहां पे आएगा बदले को लेके आएगा। चलिए जी आगे चलते हैं, आपसे पूछूंगा ध्यान रखिएगा लास्ट में। दोस्तों दोस्तों एक बहुत सारे एड्स आते हैं, मुझे एड्स देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं खाली टाइम पे बहुत एड्स देखता हूँ दोस्तों। एक लेकिन मुझे एक लेजेंडरी टाइप का ऐड लगता है, एक तो निर्मा वॉशिंग पाउडर का ऐड मुझे बहुत लेजेंडरी लगता है, एक अमूल गर्ल वाला ऐड मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन आप में से भी जितने लड़के होंगे वो अग्री करेंगे, एक ऐड भाई साहब क्या डिपिक्शन और वो है इंपीरियल ब्लू। तो उसे इंपीरियल ब्लू का ऐड जो आता है क्या एब्सोल्यूट पिन पॉइंट डिपिक्शन रहता है इसमें। तो दोस्तों इस ऐड के लिए हम लोगों ने बोला मेंडेशियस मैन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऐड देखा होगा, तो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे फोन बीच में इनको देते हैं, वो भी सेम करते थे, बहुत अमेजिंग ऐड है, वन हैक ऑफ एन ऐड मेंडेशियस। दोस्तों याद रखिएगा मेंडेशियस वो जिसको झूठ बोलना पसंद है, मेंडेशियस मैन। मेंडेशियस वर्ड के ऊपर लगाएगा दोस्तों डबल स्टार। लेकिन आपको एक बात आता हूं दोस्तों, कभी कोई एग्जाम दे रहे हो अगर फंस जाए तो आपको एक बात आपको बताता हूं, MANMEN MALMALEMAEL, इस तरह से जितने वर्ड्स होते हैं मैन या मेल से होते हैं ना, हमेशा नेगेटिव वर्ड। सोचिए देखिए कौन कौन से वर्ड्स, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी मैल न्यूट्रिशन, बंदे ने झूठ बोला मेंडेशियस, डेनिस द मेनेस मेलाइन। दोस्तों इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं, मैंने मैन या मेल के चार से पांच वर्ड्स आपको बोले,
तीन वर्ड्स कम से कम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिसमें मेन MAN MEN या फिर MAL आता है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड दोस्तों, ये कौन सा नंबर का वर्ड है, चौथा है पांचवा वर्ड है, पांचवा वर्ड है, मैंने पांच पांच वर्ड्स में ब्रेक किया एक्सरसाइज को, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। मार्क यहां है, मैं हूं तेजा, दोस्तों मार्क यहां है, मैं हूं तेजा, ये तो अमेजिंग पिक्चर है यार, ये पिक्चर तो जिसमें तो भाई साहब मजा आया था देख के, मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना, परेशान सा पिक्चर है। हम लोग थोड़ा सा उसको हल्का करने के लिए यहाँ पे काम करते, एडोल्फ हिटलर को भी लेके आ गए। मार्क यहाँ है, मैं हूँ तेजा, दोस्तों हम लोगों ये देखे बोले सर कंफ्यूज करके रख दिया, आप में से दोनों में से तेजा कौन है सर, सर आप लोगों ने कंफ्यूज करके रख दिया, अच्छा कैच 22 सिचुएशन सर, वी गॉट फ्लमक्स्ड, FLUMMOX दोस्तों इस वर्ड को बोलते हैं फ्लमक्स, ये वर्ड फ्लूमॉक्स नहीं, इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन था फ्लमक्स, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन बोलते हैं दोस्तों। एक टफ वर्ड देता हूँ, अच्छा वर्ड देता हूँ, डिसकॉम्बोब्यूलेटेड, क्या बोला दोनों मैंने दोस्तों, मैंने वर्ड को डिसकॉम्बोब्यूलेटेड, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा मतलब ये कंफ्यूज, तो फ्लमक्स बोल दीजिए, कंफ्यूज बोल दीजिए, कैच 22 बोल दीजिए, डिसकॉम्बोब्यूलेटेड बोल दीजिए, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं दोस्तों, अच्छा वर्ड है भूलिएगा मत, बढ़िया वर्ड है दोस्तों। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं हर पांच वर्ड के बाद आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे दोस्तों, तीन सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये तीन सवाल आप बताइएगा कहां कहां पे मैंने क्या क्या बोला। पहला वर्ड, सबसे पहला असाइनमेंट है स्टूडेंट धर्मा का, फ्रेंड्स जो शो है, आई विल बी देयर फॉर यू, ये वर्ड कौन सा था। दूसरा दोस्तों, बदलापुर, बदलापुर के लिए क्या, बदले के लिए एक वर्ड मैंने बोला था, वो वर्ड कौन सा था। तीसरी चीज, एक वर्ड मैंने इंपीरियल ब्लू के लिए बोला था, ब्लैंक मैन, ये वर्ड कौन सा था। पहला तीन क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट धर्मा के, अगले में आते चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर टू, उसका सबसे पहला वर्ड, रेडी आप सभी, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है। बच्चन साहब जब एकदम शुरू शुरू में आए थे, एंग्री यंग मैन वाली इनकी मेज थी, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, जब तक बैठने को अप्रोबेट ना किया जाए शराफत से खड़े रहो, जब तक बैठने को अप्रोबेट ना किया जाए, अप्रोबेट का मतलब होता है फॉर्मल अप्रूवल दोस्तों। दोस्तों आपने एक पिक्चर देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ओए होए वाजपेयी साहब एक तो क्या लाजवाब एक्टर है, वाजपेयी साहब हो गए, नवाजुद्दीन साहब, सारे के सारे यार, और रामाधीर सिंह, मत सबके सब गजब गजब के एक्टर्स हैं, और गजब पिक्चर लिखी गई है दोस्तों। इस तरह से ना इस पिक्चर को कैसे बताऊं, क्योंकि नॉर्मल आम जिंदगी से रिलेटेड पिक्चर है, थोड़ा सा तो अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज भी है इसमें, सो हमने ये बोला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मूवी, रिमार्केबल पिक्चर है। इस पिक्चर के लिए हम लोग ऐसे याद रखने के लिए यार, हमने कहा कि दिस मूवी वाज फुल ऑफ विटुपरेटिव वर्ड्स या फिर फल्मिनेटिंग वर्ड्स। दोस्तों ध्यान रखिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में फल्मिनेट, फल्मिनेट मतलब ना अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज वाली चीज, अब्यूज करने के लिए, तो ये दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। पहला वर्ड मैंने बोला दोस्तों आपको क्या बोला, फल्मिनेट, और दूसरा वर्ड मैंने बोला आपको विटुपरेटिव। ये दोनों के दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों वर्ड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है, डबल स्टार लगा के रखिएगा, वेरी वेरी गुड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं दोस्तों। दोस्तों मैं ना राइम करने में बहुत बिलीव करता हूं, विवेल से विवेशियस, साधु संत सेक्रोसेंट, रसना पी के रिजुविनेट, ऐसा बहुत करता हूं ना, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे। तो ये रहा दोस्तों गुरिल्ला, तो ये हम लोग बोले यार गुरिल्ले तुम कर क्या रहे हो, तो बोला सर मैं लगा रहा हूं सर फोन, तो दोस्तों ये रहा वो गुरिल्ला। तो हम लोगों ने कहा यार क्या बंदा है यार, ये तो फोन भी लगा लेता है यार और गप्पे वप्पे मारता है, तो हमने बोला इसको, हम लोगों ने इसके लिए वर्ड रखा दोस्तों गैरुलस गुरिल्ला। दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा, हमने यहां पे बोल दिया गैरुलस गोरिल्ला, राइट, ये आगे गैरुलस गोरिल्ला, स्पेलिंग देखिए दोस्तों। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप लोग के साथ मैंने वियतनाम का युद्ध भी डिस्कस किया था, अगला स्टूडेंट धर्मा का सवाल देखते हैं दोस्तों किसके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों, तीन तो मैंने आपको दिया ही था। अगला स्टूडेंट धर्मा का सवाल है जो वियतनाम, जो दोस्तों मैंने आपको आपके साथ शेयर किया था, और वो क्या था, हो ची मिन, ये साहब जो गोरिल्ला वॉर किए थे, उस गोरिल्ला वॉर की स्पेलिंग और इस गोरिल्ला की स्पेलिंग क्या सेम है, और अगर नहीं तो दोनों का मुझे एक एक यूसेज बताइएगा, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला दोनों की स्पेलिंग बताइएगा, देखते हैं आप में से कितने बच्चे बता पाते हैं। फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डबल स्टार जरूर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप में से वो बच्चे जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मैं जितने वर्ड्स बोलूंगा वो वर्ड्स आपके एग्जाम में इस नहीं तो उस एग्जाम में वो आना ही है, ठीक है दोस्तों। मैं इधर उधर के वर्ड्स नहीं तो इसमें टच नहीं करता, जो नहीं आते एग्जाम में, जो एग्जाम में रेलेवेंट हो मैं वही वर्ड्स टच करता हूं। दोस्तों अगला वर्ड दोस्तों, हमारे देश में साधु संतों की अलग ही, ये गोरिल्लस गैरुलस गैरुला, सॉरी गैरुलस गोरिल्ला,
तो गैरुलस मतलब टॉकेटिव, लोक्वाशियस। कमेंट बॉक्स में जरा लोक्वाशियस की स्पेलिंग बताइएगा यार। और एक बात याद रखिएगा ना, LOQ या LOC कहीं पर भी आएगा, बोलने के लिए वो वर्ड आता है। तो हमारे देश में साधु संतों की बहुत इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। साधु संत सेक्रोसेंट, दोस्तों हमने बोला सर जी आप तो महान है, साधु संत सेक्रोसेंट। दोस्तों सेक्रोसेंट ये वर्ड यूज कीजिएगा। मान लेते हैं आप एक ऑफिस में काम करते हो और आपके ऑफिस सीनियर ने बोला कि यार सुनो मंडे टू फ्राइडे आप कितने आवर्स काम करते हो, आपने बोला 10 आवर्स। बोले काम कर सकते हो क्या, वीकेंड में आ सकते हो क्या, आप बोले सर कुछ भी करने का, जयकांत शिकरे के ईगो को हट नहीं करने का। जयकांत शिकरे, लेकिन तुम्हारा नाम तो जयकांत नहीं सर, वो मेरा डायलॉग है। तो क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? सर मैं मंडे टू फ्राइडे ना 12 घंटे भी काम करने को तैयार हूं, बट मैं वीकेंड सर सेक्रोसेंट, सर वीकेंड को टच नहीं करने का। ऐसा क्या करते हो भाई वीकेंड में? सर मैं 16 घंटे सोता हूं ना, तो इसलिए माय वीकेंड था सेक्रोसेंट, एकदम पायस है सर, एकदम पवित्र है, बिल्कुल टच नहीं करने का। तो उसको इसके लिए एक और वर्ड होता है पायस, पवित्र के लिए इनवायलेबल। स्पेलिंग जरूर देखिएगा, INNVIOLABLE, VIOLABLE, इनवायलेबल। सेकेंड एक्सरसाइज का पांचवा वर्ड, देखते देखते वर्ड पहुंच गए ना, पता नहीं चला आपको। ये पिक्चर तो मैंने कई बार बोला है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों मैं वर्ड्स को बहुत रिपीट करने में बिलीव करता हूँ, इतने बार रिपीट कर दो कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, कि कॉन्शियस माइंड का पार्ट है कि सब कॉन्शियस, क्या फर्क पड़ता है। विलन्स लव टू विलीफाई, याद आएगा दोस्तों? अच्छा हाँ सर, बताइए 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 वर्ड क्या था जी, बताओ यार। मोगैम्बो साहब हो गए, ये अमरीश पुरी साहब हो गए, शक्ति कपूर साहब हो गए, और हमारे अमजद खान साहब हो गए, तीनों लेजेंडरी एक्टर्स। विलन्स लव टू विलीफाई, स्पेलिंग देखिएगा विलीफाई की, VILIFY, याद है दोस्तों? दोस्तों यहां तक मैंने अभी तक दो एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस किया है और मैंने काफी सारे वर्ड्स बोले, राइट। इस एक्सरसाइज का मतलब स्टूडेंट धर्म ये शुरू होता है, आपको मैं जो भी वो चीजें बोलूंगा इससे रिलेटेड आपको कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों वर्ड्स बताने। रेडी, सबसे पहला वर्ड दोस्तों, मैंने एक वर्ड बोला था दोस्तों इंपीरियल ब्लू के लिए, ब्लैंक मैन, ये वर्ड कौन सा था, पहला सवाल। दूसरा, मार्क यहां है मैं हूं तेजा, वर्ड कौन सा दोस्तों, ये कौन सा वर्ड था जरा आप बताइएगा। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर इज फुल ऑफ ब्लैंक काइंड ऑफ वर्ड्स, किस तरह का वर्ड दोस्तों? एक मैंने वर्ड लिया था गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, ये गोरिल्ला गोरिल्ले का क्या चक्कर था यार, ये आपको बताना है बाबू एकदम मस्त ऐसे। दोस्तों आप में से कई दोस्त, कई बच्चे ऐसे होंगे, तीसरे एक्सरसाइज में एंटर कर रहे दोस्तों, तैयार रहेगा दोस्तों। आप में से कई ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनको ना दोस्तों के साथ रहना पसंद है, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एकदम अकेले रहना पसंद है यार, एकदम अकेले घूमते रहते तनहा तनहा। दोस्तों वो शहनशाह मूवी देखे हैं बच्चन साहब की, वैसे एकदम हाथ में वो संकले उंकले बांध के निकलते होंगे, अकेले लड़के पिक्चर देखने जाते, तो भी अकेले पिकनिक भी जाता है, पिकनिक कौन अकेले जाता है यार, लेकिन अपने ये वाले बच्चे जाते होंगे दोस्तों। तो एक पर्टिकुलर कुछ तरह के बच्चे होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको अकेला रहना पसंद है, दीज काइंड ऑफ पीपल आर दोस्त हु लव सॉलिट्यूड, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्त सॉलिट्यूड, ऐसे लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं उनके लिए एक वर्ड है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज एक बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, RECLUSE, रेक्ल्यूज, सॉलिटरी लाइफस्टाइल जिनको पसंद है, सॉलिट्यूड जिनको पसंद है, एकांत पसंद है, एकांत काफी हद तक मुझे पसंद है, आपको भी शायद काफी लोगों को पसंद होगा। मैं कम लिखो मिली मैं, सर क्या हो गया अचानक आपको? नहीं मैं गाना गा रहा था। कितना गंदा गाते हैं सर आप, जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपन गाते, फिर भी रुकते नहीं ना अपन लोग, फिर भी रुकते चाहे कोई कितना ही बोल दे दोस्तों। तो मैं कमली कमली में कमली, कटरीना कैफ जी का एक सॉन्ग है ना कमली कमली, तो उसमें इंग्लिश में एक वर्ड है कमली, कमली जैसे कटरीना कैफ जी खुद है, क्या है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटीफुल, तो उसमें इंग्लिश में एक शब्द है, इस वर्ड को बोलते हैं कॉमली, लिखते हैं COMELY, पढ़ते वैसे कमली ही है, इस वर्ड को ध्यान रखिए आगे का वर्ड आगे, कमली COMELY, कमली, समवन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली रैविशिंग। मैंने शायद गलती से फ्रेंड्स फिर से रख दिया क्या, एक बार देखिएगा तो ठीक है, तो सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया था, शायद गलती से मुझसे दोबारा हो गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स के लिए मैंने वर्ड रखा था कामराड्री दोस्तों। क्रिकेट तो ठीक है, जो क्रिकेट तो है सो है, क्रिकेट में क्रिकेटर्स तो बहुत सारे, एक तरफ सचिन तेंदुलकर साहब और एक तरफ क्रिकेटर्स है, कोई कितना ही बेहतरीन क्रिकेटर, राइट। सचिन तेंदुलकर साहब के फैन तो पूरी दुनिया में है, मैं आप हम सब, तो हम सब क्या है, सचिन तेंदुलकर साहब के असंख्य फैन, आप मैं हम सब सचिन तेंदुलकर साहब के असंख्य फैन है, मायरियड फैंस ऑफ सचिन तेंदुलकर साहब, कई हजारों लाखों करोड़ों, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों कॉपियस बोलते हैं, मायरियड बोलते हैं, प्रफ्यूज बोलते हैं, इनंडेटेड, ओवरवेल्म्ड, बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं, अभी सिनोनिम पे ज्यादा गौर नहीं करें, धीरे धीरे करके आएंगे। तो मायरियड फैंस ऑफ सचिन तेंदुलकर साहब, मायरियड मतलब होता है दोस्तों असंख्य, प्लेथोरा, बहमत, बहुत सारे यार, मतलब बहुत ज्यादा। दोस्तों आप में से जितने भी लड़के होंगे उनकी एक पिक्चर बहुत ज्यादा फेवरेट है, कौन सी, मुझे तो बहुत मस्त लगती है,
एक्समैन, यहां से लोगन जो बनते हैं कैसे नहीं निकलते, वहां से लोहे वोहे निकल जाते, क्या क्या टाइटेनियम के क्या तो रहता ना। तो ह्यूज जैकमैन साहब की मस्ट टाइप से पिक्चर का नाम है एक्समैन। तो हमने एक शब्द रखा दोस्तों आपके गेट में 2012 में शब्द आया हुआ था, आया हुआ मतलब रीडिंग उसमें क्रिटिकल रीजनिंग में शब्द था, और ये वर्ड हमने बोला जीनोफोबिया एक वर्ड होता है, हमने बोला एक्समैनोफोबिया याद रखने के लिए बोल दिया, फियर ऑफ अननोन, फियर एक्समैन, एक्समैनोफोबिया कोई वर्ड नहीं होता भाई, हमने याद रखने के लिए सिर्फ रखा है एक्समैनोफोबिया। एक्समैन मतलब यहाँ पे जीनोफोबिया, जीनोफोबिया बेसिकली क्या होता है दोस्तों, फियर ऑफ अननोन। आपने देखा हो दोस्तों, पता नहीं चला आपने को 15 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, तीसरे बार स्टूडेंट धर्म में फिर से आते दोस्तों। मैं ये 5 वर्ड्स बोलूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, भूलिएगा मत ये 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला वर्ड दोस्तों, सबसे पहला वर्ड गैरुलस। मैंने जब गैरुलस वर्ड बोला था तो किस एनिमल के लिए यूज किया था सर, लेकिन वर्ड अरे वो गैरुलस तो बता दिया, गैरुलस किस एनिमल के लिए यूज किया था, और गैरुलस का एक सिनोनिम बोला था मैंने, LOQ से स्टार्ट होता है, लॉक से। साधु संत ब्लैंक कंप्लीट कीजिएगा, आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। विलन्स लव टू क्या, विलन्स लव टू ब्लैंक, अनजानी राहों में सुनसान शहंशाह निकलता। शहंशाह वाले पिक्चर के लिए बच्चन साहब के कौन सा वर्ड था दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कमली कमली, मैं कमली कमली तेरे यार, दोस्तों कमली कमली के लिए वर्ड क्या था, जिसके लिए मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था कटरीना कैफ जी की, राइट, जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटीफुल मैंने वर्ड बोला था दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने एक्समैनोफोबिया मतलब ज़ीनोफोबिया पे खत्म किया। एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट, चौथी एक्सरसाइज में आते हैं दोस्तों, देखिए देखते देखते पता नहीं चला नहीं चौथी एक्सरसाइज पहुंच गए दोस्तों। लेकिन आप सभी लोग के लिए पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कुछ यार कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम थी इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया आज एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट था, मतलब जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तो था हो चुका होगा, एंड भगवान करे कि सब सही हो जाए, तो दोस्तों इसलिए मुझे जाना पड़ा, लेकिन थैंक यू वेरी मच। फिर अपन मिलेंगे रात में, तो मिलेंगे एलन मस्क वाले सेशन में, ठीक है दोस्तों, मोस्ट लाइकली उस वक्त तक तो मैं रहूँगा ही। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वर्ड है और वह पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर तभी शायद गार्बल्ड लग रही है सर पिक्चर, गार्बल्ड, गार्बल्ड मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ ना रिसीवर एंड में समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त ने आपको फोन किया और आपको बोला कि अच्छा सुन ये ले आना वो ले आना ऐसा कर लेना वैसा करना राशन लेना, एक मिनट क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, हेलो खटाक से कट कर दिए। आपके एक और दोस्त ने बोला तुझे आवाज़ नहीं आ रही यार, क्या क्या पता नहीं मंगा रहा था, खर्चे करवा था नालायक, गार्बल्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप समझ ना पाए सुन ना पाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मुझे ना मूवीज जब मैं देखता हूँ ना, एक तो मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छे पिक्चर देखना, ऐसा नहीं कि राधे देख लिए, हम शक्ल देख लिए, वैसे पिक्चर नहीं, वो क्या दिल वाले देख लिए, ऐसे अपने आप पे मेरे को यार अपने ऊपर तरस खाना भाई, इतनी ज़्यादा जानलेवा पिक्चर नहीं देखना है दोस्तों, वैसे नहीं ठीक ठाक पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो। लेकिन मुझे मूवी जब मैं देखता हूँ ना, मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है मूवी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो जो पहला फ्रेम होता है ना वो मुझे देखना बचपन से बहुत पसंद है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना वो डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव पता चलता है कि क्या दिखाना चाहते हैं। राजामौली साहब एन एब्सोल्यूट जीनियस है, मतलब मेरे को तो बहुत मस्त लगते हैं। तो राजामौली साहब के लिए हम लोगों ने बोला रेकॉन्टियर राजामौली साहब, रेकॉन्टियर राजामौली साहब, रेकॉन्टियर मतलब यार वो लोग जिनको ना कहानी वानी सुनाना बहुत मस्त लगता है, ठीक है दोस्तों। रेकॉन्टियर, अगर आप एक गर्ल है तो आपके लिए एक वर्ड आएगा रेकॉन्ट्यूज, स्पेलिंग बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको रात बहुत पसंद होगी, कई लोगों को दिन पसंद होगी, चांद पसंद होगा, सूरज पसंद होगा, कई लोगों को बिजली का कड़कना बहुत पसंद है, इस पे वर्ड दोस्तों सिरोनोफिल बोलते हैं उसको, सिरोनोफिल, जरा स्पेलिंग देखिएगा, चेक कीजिएगा स्पेलिंग को दोस्तों, सिरोनोफिल बहुत अच्छा वर्ड है, CERAUNOPHILE, PHILE या PHILE जहां पर भी आएगा, फिल प्यार को लेके आएगा, ध्यान रखिए दोस्तों आपको पसंद आएगा वर्ड, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा ऐसे लोग जिनको रात बहुत पसंद है उनके लिए क्या बोलते हैं, एन से शुरू होता वर्ड ढूंढिएगा क्या होता है दोस्तों, जिनको रात बहुत पसंद है उनके लिए क्या वर्ड है दोस्तों। एक पर्टिकुलर सॉन्ग है और वो कौन सॉन्ग है, दहलीज पे मेरे दिल के, सर बस सर ईयरफोन लगाया था ना, इतना गंदा गाएंगे सर कान में कुछ हो जाएगा मेरे सर। हाँ यार ये तो है अपना, अपनी आवाज बढ़िया नहीं ना, लेकिन ना पता आजकल मैं मोटिवेट हो गया हूँ, जब से मैं देखा हूँ कक्कड़ साहब अपने ट्रेंड कर गए यूट्यूब में, वो एकदम क्या वो म्यूजिक को ही गा दिए वो, तो उसके बाद से मैं भी जोश आ गया हूँ। आजकल मैं सोचता हूँ कि गंदा गा देना चाहिए, गंदा गा देने से ना बंदा ट्रेंड हो जाता है, अरे कुछ तो ट्रेंड हो यार, वीडियो नहीं चलते ये कुछ तो चले यार, तो कहने का मतलब है दोस्तों कुछ तो देखे नहीं। तो दोस्तों एक सॉन्ग है जीना जीना, आपने सुना है ये सॉन्ग, जितने बार मैं आप हम सब ये सॉन्ग को सुनते हैं भाई साहब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है दोस्तों। आप भी जब इस सॉन्ग को सुनोगे तो आप भी किसी को याद किए होंगे, हो सकता है कोई स्पेशल होगा जिनको आप याद किए होंगे, ऐसा हुआ क्या, हाँ सर याद तो किया,
किसको सर, कोई चीज सीक्रेट होती है कि नहीं सर? सीक्रेट भी है ना सर। तो ये सर जब भी मैं इस सॉन्ग को सुनता हूँ ना, कोई खास याद आता है सर मुझे एकदम ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त तरीके से। तो सर ऐसे कोई भी चीज आपको किसी और की याद दिलाए, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, उसको बोलते हैं मेमोरेबिलिया। दोस्तों मेमोरेबिलिया स्पेलिंग जरूर देखिएगा, MOMRA है दोस्तों, मेमोरेबिलिया नहीं, इट्स मेमोरेबिलिया। कहाँ गया मेमोरेबिलिया? RABILIA मेमोरेबिलिया, याद रहेगा दोस्तों। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं खरीदने, मतलब कहीं किसी शहर में गए और हम लोग चाहते हैं कि शहर में जो भी हम देख रहे हैं याद रहे, तो हम क्या खरीदते हैं दोस्तों? सुवेनिर, याद कीजिए जरा। सुवेनिर खरीदते नहीं, कोई छोटी चीज जो शहर की याद दिलाए, उस जगह की याद दिलाए, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सुवेनिर। मस्त वर्ड है, अच्छा वर्ड है सुवेनिर, तो खैर हम सब जानते होंगे। दोस्तों कंगना रनौत जी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, सिंगल हैंडेडली मूवी पुल कर देती है भाई, नेक्स्ट लेवल। ऐसे लोग जो सेल्फ मेड होते हैं और जो बहुत मस्त लगते हैं, ऐसे लोग शाहरुख खान साहब, सेल्फ मेड लोग, अपने दम पे बने लोग, और मार्केट में इस तरह के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। कंगना रनौत जी का एक सॉन्ग है, मैं घनी बावरी हो गई, मैं टोटल एसेंट्रिक हो गई। टोटल एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब दोस्तों एकदम पगला पुगला जाना, मतलब एकदम सनक जाना, पगला जाना, इसको बोलते हैं टोटल एसेंट्रिक हो जाना, याद रहेगा दोस्तों। दोस्तों स्टूडेंट धर्मा नंबर 4, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए? दोस्तों याद रखिएगा ना, आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना यार, असली मजा उसी का है, तब तो मजा आएगा यार। जुप, ये क्या सर? जुप क्या है यार? जुप जाप पे तो अपना आते ही रहता है यार, एक्समेनोफोबिया। ओ सॉरी, वर्ड ही बता दिया, नहीं ये छोड़ दो छोड़ दो, एक्समेनोफोबिया तो बोल, नहीं वर्ड नहीं, एक्समेनोफोबिया बोलो ना, इसका वर्ड बताना आपको। ख्याल से हट गया था यार, एक्समेनोफोबिया का वर्ड क्या है ये बताना आपको। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजमौली साहब, सर जी आप तो जीनियस साथ देखती हैं, मजा आ जाता है सर आपकी पिक्चर देख के बहुत ज्यादा। जो लोग बिजली कड़कने से प्यार करते हैं, बिजली से प्यार करते हैं, उसका उसके उसके लिए वर्ड क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। सी से शुरू होता कुछ वर्ड है क्या? चलिए दोस्तों आपको बताना है, विलन्स लव टू क्या, अगले एक्सरसाइज में आते हैं दोस्तों। मैंने आपको बोला दोस्तों, क्योंकि आप इस चीज में अभी लाइव नहीं हो, आप वहां पे प्रेजेंट हैं, एक एक चीज को मस्त तरीके से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रखते हैं यार, मंजा आएगा कि नहीं बताना? MANZA, मंजा आएगा कि नहीं बताना दोस्तों? मंजा, एकदम जबरदस्त तरीके से। दोस्तों आज का पहला वर्ड, मतलब इस एक्सरसाइज का पहला वर्ड क्या है? तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? दोस्तों ये लाइन आप देखे होंगे ना, तो ये संजय दत्त साहब क्या अग्निपथ नाम था ना पिक्चर का, जो बच्चन साहब की एक लेजेंडरी पिक्चर थी, उसको रीमेक जो करते हैं, तो इसमें संजय दत्त साहब एक तो मेरे को लगते बहुत बेहतरीन लगते हैं, मतलब इनकी पिक्चर पिक्चर में बोल रहा हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ, पिक्चर में इनकी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। मुन्ना भाई तो क्या मस्त पिक्चर नहीं थी? तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ? अरे सर कैसे नेगेटिव नेगेटिव बात करी सर, मतलब बंदा कुछ मेहनत करेगी नहीं सर? गजब एब्जेक्ट सर, एकदम दोस्तों एब्जेक्ट पॉवर्टी, कई बार अपन बोलते हैं एब्जेक्ट, मतलब ना जहाँ पे होपलेसनेस। दोस्तों मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज मानता हूँ कि मैं और आप अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, एफर्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास और मेरे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं होप। Each one of us, we hope to have a better tomorrow. इंसान की जिंदगी से अगर होप खत्म हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है। आप में से वो लोग जिन लोगों ने एफर्ट देना बंद कर दिया अपने सपनों के लिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन सर मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं, कुछ नहीं होता, आपने अब तक एफर्ट नहीं दिया कुछ बात, कोई बात नहीं, यहां से एफर्ट देना शुरू कीजिएगा। सर मुझे लगता नहीं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। दोस्त कई बार ना अपनी जिंदगी में हमको कुछ कदम सिर्फ ट्रस्ट पे लेना पड़ता है। इफ द पाथ कॉल्स योर नेम, जस्ट वॉक, डोंट एस्क। दोस्त सर लेकिन ना मुझको आसपास के लोग, ये लोग वो लोग सब ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। एक लाइन दोस्त पता नहीं आपको अच्छी लगे, दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज्ड इन अ ड्रीम, आई एम एंजॉयिंग द शो, वेक मी अप टुमारो। ये दुनिया भी किसी ना किसी का सपना ही है दोस्त, आराम से एंजॉय कीजिए, बेहतरीन तरीके से एफर्ट देते रहिए। हम लोग बहुत थोड़े टाइम के लिए धरती में, फिर चले जाना हमको। आई ऑफन लुक्ड इनटू द स्काई फॉर लिबरेशन एंड देन टू रियलाइज आई एम द हेवन, आई एम द हेल। मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आजादी को सोचता था, और तब मैंने पाया मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नरक हूं। दोस्तों बच्चन साहब को एक और ले, बच्चन साहब, यार बच्चन साहब तो विशेष गजब लगते हैं ना, गजब ही लगते हैं यार। एक तो इस एज में यार कैसे सर आप इतनी मेहनत कैसे करते हैं, हम लोग को भी थोड़ा टिप्स टूप्स दे दीजिए। बच्चन साहब बोलते हैं हम जहाँ खड़े होते लाइन वहां से शुरू हो जाती है। सर ये हम लोग हैं दोस्तों, हम लोग बोले सर क्या अप्लॉम्ब है सर आपका, गजब व्यक्ति हैं सर। लेकिन आप है ना सर, आप जहाँ खड़े होते होंगे लाइन शुरू होती ही होगी। सर क्या गजब का आपका कॉन्फिडेंस है। अप्लॉम्ब दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में आता है। एक बात मेरी ख्याल रखिएगा दोस्तों, वर्ड्स एग्जाम में वही आता है जो न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं ना, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बच्चन साहब का एक और वर्ड ले लेते हैं, बच्चन साहब थोड़ा सा एक पिक्चर में ऐसा दुखी टाइप का दिखते रहते हैं। हमने बोला सर जी आप व्हाई आर यू सो मॉडलिन,
सर लेकिन मॉडलिंग करते हो मतलब, ये तो मॉडलिंग का कर। अरे मॉडलिंग नहीं भाई, मॉडलिन, MAUDLIN को बोलते हैं दोस्त, मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब यही, दुखी, एकदम ज्यादा सेंटिमेंटल, ओवर सेंटिमेंटल। ये चीज बच्चन साहब को लेके आए तो बच्चन साहब के सुपुत्र को ले आते हैं, अभिषेक बच्चन साहब को ले आते हैं, और अभिषेक बच्चन साहब का वर्ड क्या है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं समझ लो तरक्की कर रहा है, जब लोग तुम्हारे डिफायंस में हो जाएं, तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, समझ लो तरक्की कर रहे हो लड़के। डिफायंस करने का मतलब होता है एब्सोल्यूट फ्लाउट, डिसरेस्पेक्ट कर देना, अगेंस्ट चले जाना। नफरत की आंधी, नेफेरियस की आंधी। एक और लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र साहब को लेके आते हैं। धर्मेंद्र साहब की एक पिक्चर है, मैंने भी नहीं देखा इस पिक्चर को दोस्तों, मेरे को ऐसे मतलब इतना ज़्यादा शौक भी नहीं पिक्चर देखने का कि मैं नफरत की आंधी देख लूँ, राधे देख लूँ, हम शक्ल देख लूँ, इतना भी नहीं। जिंदा रहना ज़्यादा, जिंदा रहने का शौक मुझको ज़्यादा है। तो दोस्तों नफरत की आंधी, नेफेरियस की आंधी। नेफेरियस जहाँ पे आएगा विकेड को लेके आएगा। थक गए क्या? उफ सर थक गए एकदम, मैं तो बहुत सारे वर्ड्स लिए सर आप, लेकिन यार क्योंकि आप लोग सिंसियर भी तो है ना। हाँ सिंसियर तो हूँ सर, बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ सर मैं, एकदम ज़्यादा से दो तीन लेवल ज़्यादा ही हूँ सर मैं। तो चलो फिर एक काम करो, पांचवी बार एक बार फिर से स्टूडेंट धर्मा हो जाए, जिनको बिजली का गिरना पसंद है उनको क्या बोलते हैं यार, नहीं बताओगे? ऐसा करोगे मतलब बिल्कुल बताओगे ही नहीं क्या? सचिन तेंदुलकर साहब के फैनों के लिए, फैनों मतलब फैंस के लिए, एम से एक वर्ड बताया था क्या? हाँ दोस्तों, जीना जीना ये सॉन्ग जो हम लोगों ने देखा, जीना जीना सर मेरे को सॉन्ग याद हो गया। नहीं सॉन्ग याद हो अच्छी बात है, वर्ड क्या था भाई साहब? कोई चीज आपको देख के किसी की याद दिलाया उसके लिए वर्ड क्या था दोस्तों? इसी तरह से हम लोगों ने और एक वर्ड देखा था, हम जहां पे खड़े होते हैं ना लाइन वहां से शुरू होती है, बच्चन साहब का एक डायलॉग था। सो वर्ड क्या था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभिषेक बच्चन साहब ने एक लाइन बोला, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं समझ लो तरक्की कर रहे हो। दोस्तों ये वर्ड कौन सा था? क्योंकि दोस्तों आप भी, मैं वहां पे नहीं, उसके बावजूद आप सभी लोग मस्त तरीके से देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद तो यही करता हूं। तो एक और पांच एक्सरसाइज का सेट, पांच क्वेश्चन का सेट हो जाएगा, क्या बोलते हैं? एकदम सुपर से ऊपर करते ना यार, क्या बोलते हैं? सनी पाजी लैम्बास्टेड द जज साहब। तो सनी पाजी ने बोला, तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, मगर इंसाफ ना मिला। दोस्तों ये बहुत हिट डायलॉग नहीं, एकदम लैम्बास्टेड, दामिनी करके पिक्चर आई थी, आप लोग को तो शायद जन्म नहीं होगा, मैं छोटा तब तो, लैम्बास्टेड सनी पाजी, लैम्बास्टेड द जज। दोस्तों एक ना तनुमन टू में दीपक डोबरियाल साहब का सीन, गजब एक्टर यार, गजब एक्टर लगते हैं, मतलब मस्त एक्टर लगते हैं। तो वहां पे तनुमन टू में एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई टेलर सिर्फ सूट ही सिलते हो, कफन भी सिलते हो? तो दोस्तों जब ना आदमी इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिविटी के लिए या खराब टाइम के लिए या दुखी जब आप हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आपको दे, एक क्या, बहुत सारे वर्ड देता हूँ, काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे मैंने, फोरलॉन। दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग दुख के लिए, सैडनेस के लिए वर्ड होता है फोरलॉन, FORLORN, फोर, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन फोरलॉर्न नहीं है, फोरलॉन है, फोरलॉन। मेलैंकोली, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस को बोलते हैं। एब्सोल्यूटली डिजोलेट, डिस्पोंडेंट, एब्सोल्यूटली डेवस्टेटेड, ये सभी वर्ड दोस्तों दुख को बताते हैं, ठीक है। दोस्तों आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखें, रामाधीर सिंह अपने लड़के को क्या बोलते, JP को, तुमसे ना हो पाएगा, बहुत तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग टास्क मतलब होता है दोस्तों कई चीज ऐसी होती है जो डिफिकल्ट टू अचीव करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक और वर्ड बोला था, लाइट, बिजली गिरना जो लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बिजली के गिरने जैसा चांद से जिनको प्यार होगा, सिलेनोफिल बोलते हैं। सर अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, वो सिरोनो था, CE था, ये क्या सर? SELE, सिलेनोफिल। तो आप में से वो लोग जिनको चांद बहुत पसंद होगा, सर ऐसी वाली फोटो फीटो मैं भी खिंचवाया हूँ, मैं भी खिंचवाऊंगा, मैं भी फेसबुक में डालूंगा, सोचा हूँ कम से कम दो चार लाइक तो आए, नहीं तो अभी तो एक डेढ़ दो लाइक रहते हैं, एक मैं करता हूँ और एक आज जबरदस्ती का दो अकाउंट से खुद ही करता हूँ। तो ऐसा कम से कम अपन भी ऐसे फोटो खिंचवाए भाई। तो सर कब खिंचवाएंगे? जिस दिन मैं ऑरेंज शर्ट खरीद लूंगा, येलो पैंट पहन लूंगा, वैसे तो आप और मैं अपन चलेंगे, क्या बोलते हो? आप में से जो लड़के हैं वो जैसे कोरोना फोरोना खत्म होगा, चटक कपड़े पहनेंगे, मस्त निकलेंगे बाहर, एकदम सूरज को भी कॉम्प्लेक्शन देंगे और रात में ऐसी फोटो खिंचाएंगे। इतने चटक कपड़े पहनने का ही तो फायदा, रात में फोटो आएगी, येलो शर्ट, ऑरेंज पैंट, ब्लू चश्मा, ब्राउन कलर के बाल, सफेद कलर का जूता, मतलब जो देखे चकाचौंध हो जाए यार, क्या बोलते हैं? तो उसने एक वर्ड होता है इंग्लिश में सिलेनोफिल, याद रहेगा, जिनको चांद से प्यार है। दोस्तों आप घर गए, माँ ने बोला कि आज मैं तेरे लिए बहुत स्वादिष्ट सूप बनाई हूँ। आप बोले क्या बात है, माँ ने आपको एक सूप दिया, आपने बोला क्या जबरदस्त सूप है माँ, ये एकदम सिपिड सूप, राइम देखो, राइम क्या अच्छा, सिपिड सूप, सिपिड मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट, टेस्टी, इट्स अ सिपिड सूप, क्या बेहतरीन, इट्स अ सिपिड सूप। किस तरह का सूप, कहाँ गया जी,
ये रहा सिपिड सूप, सिपिडिटी, सिपिड, मस्त मजा आया कि नहीं पहले बताओ, एकदम बेहतरीन टाइप से यार दोस्तों। स्टूडेंट धर्मा नंबर नेक्स्ट, मैंने क्या कहा दोस्तों, भाई साहब टेलर यार आप सिर्फ क्या बोलते सूट सिलते हो या कफन का कपड़ा भी सिलते हो, दुख के लिए हम लोगों ने इस वर्ड को लिया था राइट, ये कौन सा वर्ड दोस्तों, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते रहे माय लॉर्ड, मगर इंसाफ ना मिला, ये वर्ड कौन सा था भाई साहब, तुमसे ना हो पाएगा। रामाधीर सिंह अपने लड़के जेपी को बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा, आई एम देयर फॉर यू, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए वर्ड क्या दोस्तों, और एक और है चांद से जिनको बहुत प्यार होता है उसके लिए वर्ड क्या है दोस्तों। चलिए आपको लग रहा होगा खत्म ना, मैं तो बोलता हूँ इतना सिंसियरिटी मेंटेन क्यों, तो आखिरी पांच और शॉट मार रहे हैं क्या यार, क्या बोलते हो जी, हाँ लेते हैं सर। दोस्तों सलमान खान साहब बहुत पहले एक पिक्चर किए थे, मुझे पिक्चर का नाम बंधन शायद नाम है, क्या पिक्चर का देखना, तो मुझे याद नहीं पिक्चर का नाम, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, एकदम खतरनाक पिक्चर है भी लेकिन, है ना, मतलब ये सब पिक्चर देखेंगे दोस्तों, मतलब बंदा डीवीडी में ये पिक्चर देख ले और वो ये राधे देख ले, हम शकस देख ले, हम वो क्या, हम हमदम नहीं, हमदम नहीं, क्या पिक्चर है यार वो, अजय देवगन साहब भी उसमें, अरे बाप रे, ये सब पिक्चर देख ले बंदा तो यार मतलब इंसानियत से भरोसा उठ जाए उसका यार, बहुत ही ज़्यादा खराब पिक्चर है, दर्दनाक पिक्चर है सब, दर्दनाक एकदम। तो सब ठीक है, जो भी सलमान खान साहब का डायलॉग है, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, तो जैकी श्रॉफ साहब बोले कि यार कैसे ऑब्सिक्वस व्यक्ति हो यार, तो उसे वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वसनेस जहाँ पे आते हैं दोस्तों वहाँ पे चाटुकारिता आती है, ये वर्ड दोस्तों इसको ना अदरवाइज व्यवस्थित लेके ऑफेंड मत होइएगा, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वस मतलब होता है किसी किसी के आगे लिए बहुत ज्यादा झुकना, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वस। मैं कमली कमली, अरे सर फिर से कमली कमली, यार मैं गलती से रख दिया, मैं कमली कमली तेरे प्यार थी दोस्तों, कमली के लिए वर्ड आपको मतलब इसके लिए क्या बताया था वर्ड जरा बताएंगे, सी ओ एम ई एल वाई, है ना, कटरीना कैफ जी के लिए वर्ड था कमली राइट दोस्तों। एक ना बहुत क्या नाम था उनका, सैफ अली खान साहब और एक डायना एक गर्ल थी लेडी, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, और दीपिका पादुकोण जी इनकी पिक्चर आई थी, और उसमें उनका एक सॉन्ग याद दोस्तों, ऐसा वाला एक स्टेप बहुत चला था वो, तुम्हें हो बन दोस्त तो मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, चलो वैसे करो एक बार, क्या सर क्या करूँ, तुम्हें जुन जुन यार करना पड़ता है वरना वर्ड याद नहीं होगा, तुम्हें मानते नहीं यार, मैं हूं ही नहीं दोस्तों, तो फिर किस दुनिया की है, तो फिर लेकिन हमको इनको पता चल चुका है जैसे ही ऐसा स्टेप इन्होंने, ओ ये दोस्तों डियाना या डाइना कुछ तो भी नाम है इनका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा इनका नाम क्या है, बहुत फेमस सॉन्ग लेकिन बहुत फेमस है, आप भी को भी याद होगा ऐसे टुम 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 ऐसा करते हैं लोग इसमें, तो दोस्तों मैं हूं ही नहीं, लेकिन दोस्तों हमको पता चल गया किस दुनिया के, किस दुनिया के सर, ओम 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 ओम, आप खुद देखिए दोस्तों, यकीन नहीं आता आप देख लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये पता चला दैट्स माय डॉटर दोस्तों, एक लाइट नोट पे लीजिएगा चीजों को दोस्तों, ऐसी कोई चीज ना जो किसी और जगह से रिलेटेड हो, हेवनली बॉडी से रिलेटेड हो, एक्सट्रीमली यू नो डेलिकेट हो, एथरियल एक वर्ड होता दोस्तों, एथरियल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड एक्सट्रीमली एक्लेक्टिक, एथरियल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू किसी और दुनिया से बिलोंग करता, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है याहू टुम, अरे सर ये वाला बोल रहे थे आप, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा था, ये नाम वहीं से लगता है, कैसे कैसे, शमी कपूर जी एक बार बहुत जोर से नहीं चिल्लाए थे याहू टुम, सीधा एक वेबसाइट बन गई याहू की, देखिए देखिए शमी कपूर साहब इसलिए तो लेजेंड है भाई साहब, उनकी पिक्चरें अपने जमाने में क्या एकदम फोर्ड पिक्चर होती थी, तो शमी कपूर साहब ने कहा कोई मुझे जंगली, उस पर भी कंपनी बन गई जंगली पे भी, कहने दो ची कहता रहे टुडुम हम जील के दीवा, जील मतलब भयंकर, अति में पैशन किसी चीज के लिए दोस्तों, बहुत पैशन, तो याद रखो दोस्तों। तो शमी कपूर साहब जो आइकॉनिक व्यक्ति है ना, आइकॉनिक व्यक्ति, तो शमी कपूर साहब ने ये सब ट्रेंड ब्रेकर्स हैं दोस्तों, ये लोग अपने अपने जमाने के ट्रेंड ब्रेक किए इन्होंने, तो शमी कपूर साहब ने पिक्चरों में एकदम जोश एनर्जी वो लेके आए थे, मुझे लगता है जील वर्ड ना शमी कपूर साहब पे एकदम परफेक्ट फीट बैठता है, जील मतलब गजब का पैशन, गजब का एंथुसियाज्म दोस्तों, एकदम प्रोवोकेटिव स्पीच देने के लिए एकदम बॉम्बास्टिक स्पीच, तो हम लोग बॉम्ब को ही लिया है, बॉम्ब लग दी है मैनू बॉम्ब, आपको लगा अरे इसलिए सॉन्ग डेरोगेटरी नहीं है यार, मैं क्या ही बोलूं यार, यू लुक लाइक अ बॉम्ब, ये 2007 में स्नैप के एग्जाम में पूछ लिया भाई, मतलब हद है यार, ये सब क्वेश्चन कैसे आ जा रहे हैं, गाने से इंस्पायर होकर क्वेश्चन दे रहे हैं,
पता चला ये कुछ इधर ही अब ये कक्कड़ साहब का ये वाला ट्रेंड वाला सॉन्ग दे दे टुम 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 वाला तो हम लोग कैसे निकालेंगे टुम टुम को मीनिंग क्या यार, दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बॉम्बेस्टिक स्पीच याद रहेगा कि हमको दोस्तों, बॉम्बेस्टिक स्पीच का मतलब प्रोवोकेटिव स्पीच, प्रोवोकेटिव किसी को उकसाने वाले। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था सेक्रो सेंट साधु संत याद है क्या दोस्तों, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कोई वर्ड रिपीट कर दू तो परेशान मत होना, रिपीट करने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ताकि वो याद रहे जी। दोस्तों आज का ये सेक्रोसेंट साधु संत इनवायलेबल बताया था ना आपको, आज का आखिरी वर्ड दोस्तों नसीरुद्दीन साहब के एक लेजेंडरी डायलॉग पे लेके आते हैं, कौन से पिक्चर कौन सी है दोस्तों, नसीरुद्दीन साहब और आपके अनुपम खेर साहब दोनों के दोनों एब्सोल्यूट इनवायलेबल आपको बताया था, थोड़े दोनों के दोनों दोस्तों एब्सोल्यूट लेजेंडरी एक्टर्स, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्टर्स और दोनों की एकदम दमकम वाली पिक्चर आई थी अवेंज डे, याद है आपको, राठौर साहब आपके घर में जब कॉकरोच घुस जाता तो आप क्या करते हैं, राठौर साहब आप उसको पालते नहीं है आप उसको मार डालते हैं। तो नसीरुद्दीन साहब जब बोलते हैं तो यार एक तो यार अपने क्राफ्ट में ये लोग इतने मक्खन है ना कि मजा आता है, यार अच्छा क्राफ्टमैन हो जाता है दोस्तों आपको पता नहीं चलने देता है, यही तो मैजिक होता ना, मैजिक उसी को बोलते हैं कि अच्छा क्राफ्टमैन वही होता है जो सामने वाले को पता नहीं चलने देता है दोस्तों। तो नसीरुद्दीन साहब जब भी बोलते हैं तो हम लोगों ने नसीर साहब के लिए एक वर्ड रखा और वो ये है, और वो वर्ड कौन सा दोस्तों, वो वर्ड है राठौर साहब आपके घर में जब एक कॉकरोच आता है क्या करते हैं आप उसको पालते नहीं है मार देते हैं आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना, डेवस्टेट कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, रूइन कर देना, रेस कर देना, एनहाइलेट कर देना, ऑब्लिट्रेट कर देना, असैसिनेट कर देना, टाटा असैसिनेट कर दिए दोस्तों। लास्ट फाइनली अवांजर टुक 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 सर टुक 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 डिश क्या था, कुछ भी बोलने का जयकांत शिखरे के ईगो को हटने का निकल को, क्योंकि ना यार अपना म्यूजिक तो अपने जान रहता है यार, मैं बताया ना जैसे ही मैंने ट्रेंडिंग पेज देखा अपना तो दिमाग चकरा गया भाई साहब अपने को ये म्यूजिक को सीरियसली लेना पड़ेगा, वहीं से हम लोगों ने डिसाइड किया दोस्तों। 10 वर्ड्स पूछूंगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं 10 के 10 किसके सही आते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू फ्रेंड्स, मार्क यहां है मैं हूं तेजा, दूसरा वर्ड दोस्तों। तीसरा वर्ड दोस्तों, हेलो आप कौन बोल रहे हैं, हम गोरिल्ला बोल रहे हैं, गोरिल्ला क्या गोरिल्ला दोस्तों, गोरिल्ला गोरिल्ला फर्क क्या है यार, कुछ तो बताओ जल्दी बताओ तुरंत से पहले बताओ, तीन वर्ड दोस्तों। विलन्स लव टू पता नहीं यार क्या, अनजानी राहों में सुनसान रात हर निकलता जिसे लोग शहंशाह, चौथा वर्ड है दोस्तों शहंशाह पिक्चर के लिए वर्ड क्या था, मैं कमली कमली तेरे यार कमली कमली तेरे प्यार दिए कमली वर्ड क्या था, पांचवा वर्ड ये दोस्तों कमली, कमली का वर्ड क्या है। सचिन तेंदुलकर साहब के मायरेड फैंस, ओ सॉरी सॉरी ये बता दी इसको नहीं माना जाएगा, सचिन तेंदुलकर साहब के मायरेड फैंस हो मैं बोल दिया सॉरी दोस्तों इसको नहीं माना जाएगा। छठा वर्ड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है आपके दोस्त दोस्तों, ये क्या है वर्ड क्या यार। सातवां वर्ड राजमौली साहब जीनियस के लिए वर्ड क्या है दोस्तों, जीना जीना कैसे जीना दोस्तों, वर्ड क्या था ये तो यार इतना रोमांटिक सॉन्ग है तो इस रोमांटिक सॉन्ग का वर्ड तो अपने को पता होना चाहिए लड़कों, क्या बोलते हो जी, पता होना ही चाहिए भाई साहब एकदम पता होना चाहिए। नफरत की आंधी वर्ड क्या है, सातवां वर्ड था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड मगर इंसाफ ना मिला। आठवां वर्ड यही था दोस्तों सनी पाजी का, ये आठवां वर्ड कौन सा था, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। नाइन्थ वर्ड और दसवां वर्ड टुडुम टुडुम टुम टुम सर टुडुम टुडुम टुम टुम मतलब मैं हूं ही नहीं इस दुनिया के, ये वर्ड कौन सा है यार किसी भी दुनिया के मैडम आप, ये वर्ड कौन सा है। एक बोनस वर्ड देता हूं और वो है याहू टुडुम टुडुम, शमी कपूर साहब के पैशन को सल्यूट, और शमी कपूर साहब के लिए लाजवाब वर्ड कौन सा था। यही था दोस्तों आज का हमारा सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त तरीके से मजा आया होगा, आपने फुल टू एंजॉय किया कि नहीं दोस्तों, अगर एंजॉय किया होगा तो हैशटैग एंजॉय लिखना तो बनता है। सर एंजॉय बोलते हैं क्या भाई साहब, एंजॉय फेंजॉय पर नहीं जानते अपन लोग, जानते हैं क्या हैशटैग एंजॉय दोस्तों, अगर एंजॉय किए होंगे तो हैशटैग एंजॉय लिखना बनता है लड़कों, क्या बोलते हैं। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे स्टूडेंट था ना वो बताइएगा दोस्तों। अनअकैडमी में आप जाएंगे अनअकैडमी के ऐप पे तो वहां पे गेट ए से में दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर। सबसे पहले हम लोग 8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के प्यार के लिए।
ये हम लोगों ने पिछले 30 डेज में 2 मिलियन भी अचीव कर लिया है, विच इज वंस अगेन फैंटास्टिक। आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार के हकदार हैं दोस्तों। ये रहा कोड जो आप यूज कीजिएगा ST26, बाय द वे आपके इसके कारण यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। ये कोड जो लिखा हुआ है ST26, इस कोड को यूज कीजिएगा। ये रही सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस जो चल रही है, ये मेरा बैच चल रहा अभी। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के यहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, मस्त तरीके से ये कोड लगाइएगा और बेनिफिट अवेल कीजिएगा। तैयार रहेंगे कि नहीं दोस्तों अपन लोग आज? आज मतलब जो आप देख रहे होंगे अभी तो यहाँ पे वैसे सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 नहीं बज रहे, 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, सॉरी मुझे लगा था 4 बज रहे हैं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों तब मेरे ख्याल सुबह के 11-12 बज रहे होंगे। तो आज बोलूँगा तो, क्योंकि पूरे दिन तो मैं वहाँ रहूँगा, हॉस्पिटल में रहूँगा, तो शाम में मिलेंगे दोस्तों, रात को 9 बजे मिलेंगे। तैयार रहेगा, जबरदस्त तरीके से खूंखार तरीके से मिलेंगे, नहीं लगूँ क्या बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे तो अपन मजा डालेंगे भाई साहब। एलॉन मस्क पर डिस्कशन तो बनता है लड़कों। तो कुल मिला के दोस्तों स्पेशल क्लासेस को फुल टू से एंजॉय कीजिएगा मजेदार तरीके से दोस्तों। अनअकैडमी सबसे खास है वो ये होता है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से जितना पढ़ना आप उतना पढ़िए, मस्त तरीके से लाइव क्लास अटेंड कीजिए। प्लस ये आइकॉनिक में आइकॉनिक एकदम लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन एकदम लेजेंडरी। इसमें ना दोस्तों आपको लाइव क्लासेस मिलती है, इस लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं दोस्तों। इसमें और क्या होता है ना, डाउट क्लियरिंग हर चौथी क्लास डाउट, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे मैं मेरी क्लास में डाउट क्लियरिंग को मैं सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग को मानता हूँ दोस्तों। इसी तरह से ना हर संडे वीकली टेस्ट होता है, रिविजन के लिए क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच था दोस्तों, और दोनों भाषाओं में, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, रैंक बूस्टर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ रहता है दोस्तों। आपको भयंकर मतलब आनंद आ जाएगा पढ़ के। जैसे आप शैलेंद्र सर से भी पढ़ेंगे, RBR सर से भी पढ़ सकते हैं, अंकित सर से, मुझसे, जिनसे भी, नेगी साहब इनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंडल साहब का, ऐसे बहुत सारे बैचेस दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं। मस्त तरीके से ये कोड यूज कीजिएगा ST26, और जरूर अगर आपको लगता है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे बैचेस दोस्तों गेट ESC के प्रीलिम्स के लिए 2022-23 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं, मस्त तरीके से उनको एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं हर संडे आप स्कॉलरशिप डे से दीजिएगा जरूर। आप ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो सेकेंडरी आपके ऊपर है, ये दीजिएगा और इसका बढ़िया से बेनिफिट अवेल कीजिएगा। आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करें। एक आपको बढ़िया स्ट्रैटेजी बताता हूँ दोस्तों, एक तो ये कोड यूज कीजिएगा। आप में से वो बच्चे 2023-24 में एग्जाम देने वाले होंगे, 12-18-24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो अभी 22 में देने वाले होंगे ना वो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी होगा, वो जरूर से एक बार देखिएगा। कोई सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना होगा या कोई एक आध दो सब्जेक्ट वीक होंगे, प्लस ये आइकॉनिक दोनों में कोड लगा सकते हैं और आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, जरूर से यूज कीजिएगा। और जो अभी 2022 वाले वो 6 मंथ्स के लिए जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों। अन अकेडमी गजब का फीचर है डाउट क्लियरिंग का। देखिए जैसे आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे फंसे, खुटक से डाउट की फोटो खींचे, फटक से फोटो खींचे, कड़क से लिए, हमको भेज दिए, और जैसे हमको भेजे, जैसे आपने भेजा, जैसे बहुत सारे बच्चों ने भेजा होगा, तो हो सकता है कि डाउट पहले से हम लोगों ने बता रखा हो, तो मस्त देख लीजिए वीडियो सॉल्यूशन, नहीं तो हम आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के भेज देंगे मस्त टाइप से दोस्तों। इस पूरे सेशन में कोई भी एक ऐसी बात जो मैंने बोली आपको इनअप्रोप्रिएट लगी हो, तो प्राइस के पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अपॉलॉजीज फ्रॉम माई साइड, और उसके बाद आप बता के प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए 14,000। आप सभी लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप में से वो सब एक सारे बच्चे जो मुझ पर इसमें ट्रस्ट करते, इतना उस ट्रस्ट को बनाए रखिएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ टुगेदर वी विल क्रिएट रिवॉल्यूशन। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। रिवॉल्यूशन का मतलब मुझे एकदम क्लियर दोस्तों, जब हिंदुस्तान में हर एक बच्चा ये बोलेगा सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी और की सोच का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने पास्ट का मोहताज नहीं हूँ, आई शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सस ओपिनियन, आई शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ माई ओन पास्ट दोस्तों। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, टू फाइट इट आउट। जिंदगी लड़ने का नाम दोस्तों, जिंदगी बाउंस बैक करने का नाम है। I often looked into the sky for liberation and then to realize I am the heaven, I am the hell. दोस्तों जो मैं YouTube में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आप टेक्स्ट वर्जन कनेक्ट ले सकते हैं, मस्त तरीके से सुपर तरीके से ले लीजिएगा उसको दोस्तों। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद करूंगा वैसे तो, कि आप सभी लोग इस लाइव रिकॉर्डेड वीडियो को देखें और मस्त तरीके से फुल एकदम एंजॉय करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगा दोस्तों आप सभी लोगों से। आज के लिए थोड़ा सा नहीं मिल पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन इस वीडियो को मस्त तरीके से देखिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, कॉमेंट बॉक्स में स्टूडेंट धर्मा #enjoy और सारे के सारे स्टूडेंट धर्मा का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।